like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need a side. वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं शमरेज खान और हम लोग जा रहे हैं एक सफर पर। सफर का नाम है मीरान जानी टॉप। तो जी कुछ ही देर में हमारी कोस्टर आने वाली है तकबीर चौक पर, तो हम तकबीर चौक से क्वेश्चन में बैठ के इंशाल्लाह मीरान जानी सफर का आगाज करते हैं। क्यों शमरेज खान, आर यू रेडी? या रहा, मैंने कल वो किया था तो हिम्मत नहीं हाइकिंग की, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल ट्राई अवर बेस्ट के 4.5 घंटे की हाइकिंग कर ले। पहुंचे नहीं है मीरान जानी, अभी गलियात पहुंचे और थोड़ी ठंडा मौसम हो गया और सर्दी लगने लग गई। यार टी शर्ट पहनी है तो वो भी हाफ, तो सही ठंड लगने लग गई है और ऊपर तो इससे भी ज़्यादा ठंड होगी। तो ये है जो अटक में मौसम था गर्म, उससे तो जान छूटी है। डिफरेंट सिनेरियो मिला, खूबसूरती मिली है, डिफरेंट ब्यूटीफुल नेचर मिली है। तो बाकी आप लोगों को मज़ा तो आ रहा होगा इंशाल्लाह। मीरान जानी पहुँच के इंशाल्लाह बाकी कंटिन्यू करते हैं। जी हाइकिंग शुरू होगी हम लोगों की, अभी शुरू ही होगी कि हमारी मत मारी गई है। शमरेश जी, जी मजा आ रहा है? हो सफर कैसा रहा आपका? सफर में तो दुश्वारी थी, अभी मजा आ रहा है। इरफान नदी से थक गए सच में, मास्क लेके आना चाहिए था। मास्क नहीं लाया आ रहा हूँ, मास्क नहीं लाए, लेकिन कोई नहीं। ये ठंडक सीधी हलक में पड़ी है और ये आप लोग देखिए क्या हुआ है। पिल्ले चढ़े में शमरेश कह रहा मेरे पिल्ले चढ़े में, मेरी फट के हाथ खत्म। और एक सच बताऊं, नहीं हम लोग इससे पहले गए थे गबीन जब्बा, उसकी हाइकिंग इतनी मुश्किल नहीं थी, इसकी हाइकिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? इसका ट्रैक ऐसे है, ये देखिए ना, इसका ट्रैक ऐसा है तो ये चढ़ने में बहुत समझ रहे हो दुश्वारी हो रही है।
अभी तो शुरू ही नहीं हुई, पहले ओए होए नहीं कर रही हमारी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और ये हमारी पूरी टीम आ रही है। और वो देखो व्यू, मीरान जानी एक पूरा का पूरा जंगल है अफ्रीका। और इसमें आपको ऐसे कोई शॉप नहीं मिलेगी, कोई दुकान नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, पानी तक नहीं मिलेगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. लगातार 1.5 घंटा हो गया हम हाइकिंग कर रहे हैं और अभी भी स्टिल 2 आवर्स की हाइकिंग रहती है। मैं कहता हूँ ना, मत मारी गई है। अभी सुबह मौसम बहुत मज़े का था, ठंडा था, सर्दी लग रही थी, बट अब गर्मी हो रही है, सूरज निकला है। ओए ओए, ऊपर नीचे जगह पे मैं क्या था। ये ट्रैक देखिए आप, हालत बहुत टाइट हो गई यार। मुसलसल 3 घंटों से हाइकिंग कर रहे हैं हम, अब तो एक कदम भी ऊपर नहीं रखा जा रहा। बहुत ज़्यादा हाइकिंग है यार, बहुत ज़्यादा। बीच में अगर आप रेस्ट कर लेते हो उतना ही मुश्किल है। सेकेंडली आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है, फिर हाइकिंग करना और डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ व्यू देखें, अभी तक जितने ट्रिप्स फेंके हूँ ये सबसे लंबा और ओखा ट्रैक है ये यार। फक तो गाइस फाइनली हम लोग मीरान जानी टॉप पे पहुंच चुके हैं। असल चीज़ वो खंबा थी, वो जो आप खंबा देख रहे हैं ना, असल चीज़ वो थी। और हम लोग तकरीबन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप आवाम का रश देखे, वो टॉप पे आवाम आई हुई है। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह गाने शाने गाएंगे। हम लोग लाए हुए हैं गिटार शिटार, तो इंशाल्लाह बड़ी चस आएगी। थोड़ा सा सफ़र है बस, अब तो तकरीबन पहुंच गया। ये थोड़ा सा वो सामने खंबे तक जाना है, 2 मिनट का रास्ता बस। चेक करें यार, अब बादल नीचे रह गए और हम बादलों से ऊपर चले गए। और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तकरीबन 3.5 घंटों की हाइकिंग मुंह से कहना आसान है, फट के हाथ में आ गई। और वो देखिए आप बादल सामने, ये देखिए असल मेन चीज़ ये खंबा थी और हम लोग पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखिए बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ऊपर चलते हैं अभी मज़ीद और आप लोगों से बातचीत करते हैं इंशाल्लाह।
हम सताए हुए ये सर निकल के उसके पास ईंट नहीं जुतियां ना पहन ले पैरा में ओ साथी समझ आ रही है बात को यार 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 तेरे बिना देख रहे हैं यार फुल पहाड़ी को चारों तरफ से बादलों ने घेर लिया। ये देखें आप हर तरफ बादल आ गए। जब हम आ रहे थे उस वक्त तो थोड़ी बहुत बारिश थी लेकिन अब फुल बादलों ने घेर लिया इस पहाड़ी को और फुल ठंड माहौल सिस्टम हुआ पड़ा है और यहाँ पे महफिल लगी हुई है। ये देखें तो जी यहाँ से अब वापसी का हम सफ़र शुरू करने लगे हैं। हल्ला गुल्ला कर लिया, गाने शाने गा लिए, सब कुछ कर लिया और तो पका लिया। पेट में इतनी भूख लगी पई है ना, लेकिन वो जो 40-50 रुपए का कप है वो 100 रुपए का कप दे रहा है और जो 100 रुपए के चिप्स आते हैं वो 300 रुपए के दे रहे हैं। एंड उन चाय के अंदर मैंने खुद अल्लाह की कसम मक्खी मरी हुई देखी। तो बस यहाँ से थोड़ा चलते हैं नीचे, 10-15 मिनट जब हम नीचे उतरेंगे तो उम्मीद है कि वो बिस्किट वाला हमें मिलेगा। वहाँ से हम लोग कुछ बिस्किट मिस्किट बोतल छोतल लेके 10 दिन नीचे उतरेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें आप पीछे व्यू देखें, आप वो देखें सही स्मैक्सी किस्म का व्यू है, ये स्मैक्सी किस्म का वो देखें। फुल बादलों के दरमियान में हम लोग घिरे हुए हैं और बीच में बारिश भी हुई है। अभी फिर बारिश स्लो होगी, वो क्या कहते हैं, इट इज़ ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है। वाओ, और सबसे ज्यादा एंजॉय शमरेज ने किया है, अंग अंग से इसका दर्द निकला है। वो तो हमेशा से निकला हुआ था लेकिन आज ज्यादा निकला है। जी नीचे उतर रहे हैं, दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई और ये आप लोग बादल देखें, ये हल्के हल्के बादल आए हुए हैं और बारिश शुरू हो गई अगेन। और अभी तकरीबन मज़ीद घंटा रह गया नीचे जाने का, मैं आपको साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। और लेकिन
बैटरी भी थोड़ी कम रहेगी। तो ये है कि बीच में थोड़ा स्टे देता हूँ आपसे बात करने का, थोड़ी देर बाद फिर आपसे बात करता हूँ ताकि फ़ोन की बैटरी भी बच जाए और आप लोगों को सारा दिखा भी दूँ। तो ये अभी हम लोग आस्ता आस्ता नीचे जा रहे हैं टोलियों की सूरत में। कितना रहता है? घंटा है ना कर। मर जाऊंगा कह रहा मर जाऊंगा। अरे की हालत टाइट हुई है मजाक के अलावा। Like working the bass on the track, on my feet in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles all around, like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, 'cause the vibes from the front all the way to the back. जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता।